नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल CKR किचन में। तो फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल मूंग दाल अप्पे, जो कि आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में, डिनर में, सभी में ही ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत फटाफट बन के रेडी हो जाते हैं। तो मूंग दाल अप्पे बनाने के लिए हमने ये छिलके वाली मूंग की दाल ले ली थी एक कप के करीब, और उसको हमने 2-2.5 घंटों के लिए पानी में सोक करके रख लिया था। और 2-2.5 घंटे भीगने के बाद में हमने इसको हाथ से मसल कर और 5-6 बार उसको धो लिया है। उससे क्या छिलके ऊपर आ जाते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। तो छिलके हमने सारे दाल के निकाल लिए हैं। इतनी मेहनत अगर आप नहीं करना चाहते तो बिना छिलके वाली जो मूंग की मोगर आती है उसे ही आप डायरेक्टली सोक कर लें और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमने दाल को धोकर तैयार कर लिया है, सारा पानी हमने इसका निकाल लिया है। तो अब इसे हमें मिक्सी ग्राइंडर में पीस के तैयार करना है। तो दाल को पीसने के लिए हमने इसको मिक्सी की जार में डाल दिया है। तो अब हमें दाल को पीसते समय ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पानी का हमें यूज नहीं करना है। दाल को पीसते समय हमें जरूरत पड़े तो 1-2 चम्मच के करीब इसमें हम पानी डालेंगे और बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट बना के इसका हम तैयार कर लेते हैं। वैसे हल्का सा अगर दर्द रहा रहे तो भी कोई बात नहीं, तो पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये दाल को हमने पीस के तैयार कर लिया है, तो इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये मूंग दाल को हमने पीस के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले और कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो अपने पसंद के हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें और भी कई सब्जियों को मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां ले ली है। एक बड़े साइज का प्याज जिसको हमने बारीक काट लिया है, और 7-8 लहसुन की कलियां, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया था तो उसको मैंने कूट के तैयार कर लिया है। और अगर आप चाहें तो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को दाल के साथ भी पीस सकते हैं। तो ये एक हरी मिर्च में डाल रही हूँ। मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले आप, ज्यादा या कम। और ये एक छोटा टुकड़ा मैंने लौकी का ले लिया था तो उसको मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है फ्रेश हरा धनिया 2 टेबलस्पून के करीब। काफी अच्छा खुशबू और टेस्ट आएगा आपको मैं इससे। तो हरा धनिया आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और ये हमने ले लिया है थोड़ा सा पालक, लगभग 2-3 टेबलस्पून के करीब, बिल्कुल बारीक हमने इसको काट लिया है। ये भी आप चाहे तो चॉपर में एकदम बारीक कर सकते हैं। और इसमें आप चाहे तो कुकुम्बर डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो ये मैंने ले लिया है 1/2 चम्मच हींग। दाल पचने में थोड़ी सी भारी होती है तो उसमें आपको हींग का यूज जरूरी करना चाहिए। और ये हमने ले ली है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम आप कर सकते हैं। स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा सा और तीखा कर ले। और ये 1 छोटी चम्मच मैंने ले लिया है सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल रहे हैं। और अब हम डाल रहे हैं, एक बार हम पहले इनको मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में हम नींबू का रस और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो ये हमने सारी सब्जी और मसालों के साथ दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर हमको नहीं डालना है, बेकिंग सोडे का यूज कर रहे हैं हम। और 1 छोटा नींबू हमने लिया था, उसका रस हमने निकाल लिया। और बेकिंग सोडे के ऊपर ही हमें नींबू डालना है। तो इस तरीके से झाग बनेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इससे जो अप्पे हैं हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे अंदर से, बिल्कुल एकदम फ्लफी। और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे गोल में। तो ये हमने मीठा सोडा और नींबू के रस को अच्छे तरीके से गोल में मिक्स कर लिया है। और दूसरी तरफ हमने गैस पे अप्पे पैन चढ़ा दिया है और उसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो ये अप्पे स्टैंड में हमने 2-3 ड्रॉप के करीब ऑयल डाल दिया है। वैसे तो ये नॉन स्टिक है तो ऑयल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। उससे क्या है कि अप्पों का कलर काफी अच्छा आएगा और टेस्ट में भी थोड़े बेहतर होंगे। तो ये हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है अप्पे पैन को। तो अब इसमें हम अपना बैटर डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये
इस टाइप की रेसिपी है जो आप बहुत ही कम ऑयल में बना के तैयार कर लेंगे। टेस्टी होने के साथ काफी हेल्दी भी है। इनको बहुत ज्यादा ओवर नहीं भरना है हमें, बहुत ज्यादा ऊपर तक भी नहीं भरेंगे। तो ये सभी को हम फिल कर लेते हैं। तो हमने अप्पे पैन में घोल को फिल कर लिया है, तो अब इसको हम ढक देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट के बाद में अगर आपको लगता है कि थोड़े से नहीं पके हैं तो आधे मिनट के लिए और पका लें। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हुआ है और अप्पे हमारे सिकने लग गए हैं, बहुत ही अच्छी महक आनी शुरू हो गई है किचन में। तो 2 से 2.5 मिनट हमने अप्पे को एक तरफ से हमने सेक लिया है, तो अब इन सभी पे हम 1-2 ड्रॉप के करीब ऑयल डाल देते हैं। इससे दूसरी तरफ भी काफी अच्छा कलर आ जाएगा। और अब इनको हम पलट लेते हैं कि बहुत ही शानदार कलर आया है। तो सभी को हम पलट लेंगे। साइड वाले अप्पे अगर आपको लगता है कि थोड़े से अच्छे तरीके से नहीं पके हैं तो उन्हें इसी तरफ से आधा 1 मिनट के लिए और पका लें। ये देखिए साइड वाले थोड़े से लाइट कलर में है, तो इनको हम आधे मिनट के लिए और पका लेते हैं, फिर इनको हम पलटेंगे। तो आधे मिनट के बाद में हमने साइड वाले अप्पों को भी पलट लिया है, तो दोबारा से हम ढक लेंगे और इन्हें 2-2.5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर इनको पकने देंगे ताकि अप्पे हमारे अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। तो ये 2-2.5 मिनट हमने दूसरी तरफ से भी अप्पों को पका लिया है, तो इन्हें हम दोबारा से थोड़ा सा पलट लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाएगा दोनों तरफ से और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो 2 मिनट के लिए फिर से हम पलट के इनको पका लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और बहुत शानदार महक आ रही है। तो फिर से हम इसको ढक लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो यहाँ फ्लेम आपको बिल्कुल कम रखना है, अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ऊपर ऊपर से ये फटाफट से पक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो 2 मिनट बाद में ये अप्पे हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्के तैयार होंगे। देखिए बहुत ही शानदार लग रहे हैं ये अप्पे। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है और हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद में हम इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमने गर्मा गर्म अप्पो को सर्व कर लिया है, तो हमने उसको दही और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी को ट्राई जरूर करें, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे बने रहने के लिए लाल बटन जो सब्सक्राइब का है उसे आप जरूर दबाएं, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के एक हेल्दी टेस्टी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।